दर्शकों भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। मैं हमेशा की तरह काविंद्र चौहान आपके साथ हूं। दर्शकों दिल्ली से 576 किलोमीटर दूर, लखनऊ से 408 किलोमीटर दूर एक 17 साल की लड़की के साथ 28 लोगों ने रेप की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें अभी तक 376, 354, 323, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी हुई है शून्य। दर्शकों ललितपुर की पूरी घटना है। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है ललितपुर, वहां पर यह घटना हुई है। देश का कोई मीडिया इसको दिखाना नहीं चाहता, हर कोई शांत है, सबने अपनी जुबानें सिल ली, कोई आपको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि तस्वीरें एक भयंकर सुनामी ला सकती है। कोई दिखाना नहीं चाहता, सब शांत है, सब चुप है, इधर उधर की बातों में आपको गुमराह करने चाहते, जलेबियां बनाना चाहते, लेकिन कोई भी आपको इस घटना की एक भी खबर लगने नहीं देना चाहता, कोई भी नहीं बताना चाहता कि घटना क्या हुई है, क्योंकि इसमें बीएसपी का एक बड़ा नेता शामिल है, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता शामिल है, दर्शकों इसमें राजनेता शामिल है, इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, और 28 लोगों में से एक उस पीड़िता लड़की का पिता भी शामिल है। बहुत बड़ी घटना है दर्शकों, ब्रेकिंग लगातार आप तक आ रही है, लगातार आप तक खबरें दे रहा हूं और लगातार मेरी नजर इस पर है। हमारी टीम के सारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों इसको दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन यह खबर अब दबने वाली नहीं है। और मेरे साथ अब पूरा भारत एक चीज जानना चाहता है कि आखिर कब तक इस खबर को दबाने की कोशिश की जाए, आखिर कब तक और क्यों इस खबर को सामने नहीं लाने दिया जा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसमें राजनेता इन्वॉल्व है, इसलिए खबर को दबाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। 28 लोगों ने एक नाबालिग के साथ जो कुछ किया है उसको वो लोग भुगतेंगे, खबर दबेगी नहीं। 28 लोगों पर मुकदमा हुआ है, गिरफ्तारी शून्य है। लड़की चीख चीख कर बता रही है लेकिन कोई भी ना तो सुनने वाला है ना समझने वाला है। मीडिया सिल चुकी है, मीडिया ने अपनी जुबानें सिल ली और विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल हैं, तो कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे। उससे पहले क्या है पूरी खबर, एक एक जानकारी के साथ, एक एक इन्फो के साथ इस खबर का एक एक पहलू आप यहां देखिए। कल दिन मंगलवार था, कैलेंडर में तारीख थी 12 अक्टूबर, राज्य था महाराष्ट्र, जिला था औरंगाबाद और इलाका था घाट, जगह थी एक चलती ट्रेन और शिकार थी एक 20 साल की नवविवाहिता। एक ट्रेन जो लखनऊ से चलती है मुंबई पहुंच रहा था, दो जगह की राजधानियों को जोड़ने वाली ट्रेन, उसी ट्रेन में एक महिला की उसके पति के सामने आबरू लूट दी जाती। हमारे बीच हैवान रहते हैं ये सबको पता है, तो इस माशरे को अगर मैं हैवानों का शहर कहूं तो क्या गलत है? आज दिन है बुधवार, तारीख है 13 अक्टूबर, राज्य है उत्तर प्रदेश, जिला है ललितपुर और शिकार है एक 17 साल की नाबालिग छात्रा। बाप की हैवानियत का शिकार बनी बेटी, बाप भाई चाचा समेत 28 लोगों ने किया नाबालिग से दुष्कर्म। आरोपियों में सपा बसपा के नेता भी शामिल। कहीं से भी जो दोषी हर कोई है। आखिर कब तक हैवानियत का शिकार बनेंगी बेटियां? दिन बदल गया है, कैलेंडर का पन्ना पलट चुका है, राज्य बदल गया है, जिला भी बदल गया है, पर जो नहीं बदला वो है शिकार। कल भी शिकार एक बेटी थी, आज भी शिकार एक बेटी है। कल कुछ वैश्य दरिंदों ने एक बेटी को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था और आज एक बाप ने ही
बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मामला ललितपुर से सामने आया है, जहां एक बेटी का गुरूर माने जाने वाले उसके बाप ने ही अपनी बेटी के बचपन को छीन लिया। खिलौनों से खेलने की उम्र में ही अपनी बेटी को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। वो बेचारी तो अपने पिता के साथ घूमने गई थी, उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहाँ से उसकी जिंदगी का वो मनहूस काल शुरू होगा जो उसके बचपन को तार तार कर देगा, उसके सपनों को तोड़ मरोड़ कर कुछ दरिंदों के बिस्तर पर बिछा देगा। उसने नहीं सोचा था कि इस घड़ी से उसकी आबरों की वो नीलामी शुरू होगी जिसका जो अंत है वो उसकी मासूम सी समझ के दायरे से कोसों दूर है। अपनी बेटी को घुमाने गए पिता ने पहले तो अपनी बेटी के साथ कुकर्म किया, फिर छोड़ दिया बेचारी मासूम को भूखे हैवानों के शहर में, जहां आए दिन उसकी रूबरू वहशी दरिंदों की भूख का निवाला बनती रही। वो बोलना चाहती थी, वो कहना चाहती थी, पापा मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, पापा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, पापा मैं तो आपकी ही बिटिया हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पर बेचारी बोलती भी तो कैसे, उसकी आवाज को तो दफना दिया गया था। कुछ बोलेगी तो तेरी माँ को मार देंगे, तेरी माँ के साथ भी यही करेंगे। और बस अपनी माँ के मुंह में वो नासमझ बीते कई सालों से दरिंदों की हैवानियत का निवाला बनती आ रही थी। स्कूल जाती थी तो स्कूल से बुलाकर पिता उसे भूखे शैतानों के सामने परोस देते थे। चाचा के यहाँ गई तो चाचा ने चचेरे भाइयों से भी उसकी आबरू तार तार करवाई। घर पर रही तो बाप का शिकार बनती रही। दिन गुजरते रहे, वो घुट घुट कर जीती रही। उसकी सांसें तो चल रही थी पर उसके जीने की तमन्ना दम तोड़ चुकी थी। अब दिन है आज का, लड़की कक्षा 11वीं में आ गई है, उम्र 17 साल हो चुकी है, थोड़ी समझदार जरूर हो गई। सालों से जो जुल्म झेल रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर चुकी है, दुनिया के सामने आई है और अपनी आप बीती सुनाई है। आप भी सुनिए। मैं अपनी पूरी होश और आवाज में ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी, मेरे पिताजी ने मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाई और कहा कि तुम्हें भी यही करना है, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी, तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूँगा। फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल से खाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं शांत रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के समय तुरंत लेने आया और बोले कि जो मैं कहूँगा वो करना, तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। वहाँ पर एक बाहर एक औरत खड़ी हुई थी, मैं उसको नहीं जानती थी, पर उसने बोला कि आओ बेटा मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। मुझे वह कमरे में ले गई, मैं धीरे धीरे बेहोश की हालत में होती गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है, तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई और वह औरत मुझे कमरे में छोड़ गई और बोली कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रुकना। फिर धीरे धीरे मैं बेहोश होती गई। वहाँ उस कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं जब अपने होश में आई तो मेरे कपड़े मेरे जूते बिखरे पड़े थे। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ, तो बोले कि जो कुछ हुआ अब तुम्हें वही करना है, अगर तुमने वो बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो मुझे धमकी दे दे रहा, इसलिए मैं डर गई। आए दिन मेरे साथ यह होता था, जब मुझे पापा ले जाते थे स्कूल से तो मुझे यही करना पड़ता था, मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। जब वो मुझे ले जाते, जब मुझे जाना पड़ता, वो कहते कि ये करना है तो करना है। और उन आदमियों का नाम महेन दुबे, तिलक यादव, अरविंद यादव, राजू यादव, सोनू समैया, कोमल कांत सिंगई, नरेंद्र रावत। आरोपियों में लड़की के पिता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तिलक यादव, सपा के शहर अध्यक्ष राजेश जैन झोजिया, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक अहिरवार और अन्य लोग शामिल हैं। चूंकि मामला संगीन है,
पुलिस ने आनन-फानन में एक्शन लिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया, कार्रवाई भी की जा रही है। मामले में ललितपुर के SSP ब्रजेश सिंह ने भी जानकारी दी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। मामला जो है ललितपुर शहर का ही है और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है और लड़की नाबालिग है, और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा, और जो अन्य लोगों के भी उसने नाम दिए हैं, क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है, उसमें अन्य कई लोगों के नाम लिए हैं। जो भी बात होगी उसको बड़े धैर्य से जो है उसका परीक्षण करके और इस संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी ताकि कोई दोषी उसमें बचने न पाए, और उसकी सुरक्षा के दृष्टि से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, उसके आवास पर, लड़की के आवास पर उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दिया गया। मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों में से एक सपा जिला अध्यक्ष तिलक यादव ने भी एक बयान जारी किया। उसमें बयान में जिला अध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। उसका कहना है कि वो लड़की से आज तक मिले भी नहीं, और क्या कुछ कहा है जिला अध्यक्ष ने वो भी सुन लीजिए। ये सरासर निहायत झूठे आरोप लगाए गए हैं। मेरा इस मामले से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना मैं उस लड़की को जानता हूँ, ना उस लड़की की माँ को जानता हूँ, और ना मैंने उसका कभी घर देखा है, ना वो कभी हमारे घर आई है। हम उस बच्ची से जिसने भी ये FIR कराई है, हमें उन लोगों पर तरस आ रहा है। इस तरह से जो है किसी सामाजिक व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का ये षड्यंत्र है, और मैं तो ये कहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो, CBCID जांच करे, CBI जांच करे, उच्च स्तरीय SIT जांच करे, या मजिस्ट्रियल जांच हो, जिससे कि जो सत्य है वो सामने आए, और इस तरह राजनीतिक लोगों को की छवि धूमिल करने के लिए जो भी षड्यंत्र लोग कर रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि इतने निचले स्तर पे कभी नहीं आना चाहिए। तो बात ललितपुर की थी, लेकिन ललितपुर ही क्यों, देश के हर कोने में हर दिन एक महिला की, एक मासूम बेटी की अस्मत यूं ही लूटी जाती है। कई बार तो मामले सामने आ जाते हैं, लेकिन कई बार मामले छिप जाते हैं। सालों साल बेटियां, मासूम बच्चियां, महिलाएं अपने दर्द को अपने अंदर समेटे जिंदगी गुजारती रहती है। अब सवाल ये है कि आखिर आधुनिक भारत में पुरुषों से कंधा मिलाती महिलाओं के साथ आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? क्यों महिलाएं डर से चुप्पी साधे बैठी रहेंगी? क्यों बेटियां डर की साए में जिएंगी? क्यों बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है? और ये जो सफेद कुर्ता पहने नेता है, आखिर कैसे हर बार बच जाते हैं और हर बार अपने सफेद कुर्ते पर दाग भी नहीं लगने देते? ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। निशब्द हूं आज, बोलने के लिए शब्द नहीं बचते कि रोजाना इन खबरों को किस तरीके से आपके सामने पेश किया जाए। लोग कहते हैं ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। एग्रेसिव ना हो तो क्या हो, भावनाओं से जुड़ा इंसान हूं। ऐसी खबरों को बताते बताते आप कब तक अपनी भावनाओं को काबू में रख पाएंगे? दर्शकों, रोज कल किसी के साथ ट्रेन में बलात्कार हो जाता है, उससे पहले दिल्ली में किसी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। देश का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं लगता, देश की कोई भी महिला सुरक्षित नहीं लगती, और ये सरकार को घेरने के लिए काफी नहीं है। सरकारें 135 करोड़ लोगों पर एक एक करके नजर बनाएं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ सामाजिक रूप से पॉसिबल है। ये महज अपराध के तहत बताकर टाला जा नहीं जा सकता।
इसको समझने के लिए हमको एक समाज के तौर पर देखना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए भी यही है कि आखिर अगर घर में हैवान बैठे हैं, घर में अगर दरिंदे बैठे हैं, तो वो जाएं तो जाएं कहां? सोचने वाली बात। अगर बाहर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो पुलिस को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अब बताइए, जब घर पर ये सब है, घर के ही लोग, उन्हीं के बीच अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर क्या बात करते हैं? बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है। और ऐसे मुद्दों को जितना ज्यादा फैलाया जा सके, जितना ज्यादा फैलाया जा सके, उतना ज्यादा फैलाने की जरूरत है। ये सॉल्यूशन डिप्राइव्ड बात होनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, इसका इलाज क्या है? हमको ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा। हमको समाज में हर एक को नजर में रखना होगा। महिला सुरक्षा को लेकर जितना ज्यादा जागरूक कर सकते हैं, उतना ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। महिलाओं को, बेटियों को, छोटी बच्चियों को, मैं तो कहता हूं सिलेबस में होनी चाहिए बात। अगर आप उससे सहमत है तो बताइएगा, ये बात सिलेबस में होनी चाहिए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। घर परिवार में अगर कोई गलत नीयत से देखो तो आप कहां रिपोर्ट कर सकते हैं उसको, कहां बता सकते हैं उसको। बाहर कोई गंदी नीयत रखता है तो इंसान घर पे बता सकता है, लेकिन अगर घर में ही गंदी नीयत रखता हो कोई, तो आखिर बेटियां कहां जाएंगी? तो ये सिलेबस में होना चाहिए, किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए, प्राइमरी शिक्षा से ही ये सब चीजें बता देनी चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कोई अगर गलत नियत रखता है तो कहां बताना है, कहां कंप्लेंट करनी है, खुद का बचाव कैसे करना है, कैसे जागरूक रखना है अपने आप को, कैसे सुरक्षा अपनी बनाए रखनी है। फिलहाल तो यही जरूरत है। बहुत बिगिनिंग लेवल पे अगर एक सुधार की, मूलचूल सुधार की जरूरत है, एक आवश्यकता है, तो जरूरत है। और माननीय प्रधानमंत्री से भी मेरा आग्रह है कि जिस तरीके से हमने साफ सफाई की बात की, और कहने में कोई हर्ज नहीं कि सफाई अभियान एक हद तक सफल हुआ, सड़कों पर लोग कम दिखे जो कचरा फैलाते हो, इसके साथ ही बाकी जगहों पर भी चीजें बेहतर हो, तो दोस्तों क्यों नहीं महिला सुरक्षा को लेकर एक अभियान चलाया जाए, महिला सुरक्षा को लेकर एक कैंपेनिंग की जाए। लेकिन इस कैंपेनिंग में जनता आपका साथ चाहिए होता है। एक एक आदमी को जागरूक करने की जिम्मेदारी उठाऊंगा, एक एक आदमी को जागरूक करूंगा, लेकिन आपके साथ की आवश्यकता हो, क्योंकि यह मुद्दा रोजाना खबर के लिहाज से आपके सामने पढ़ता रहूं ठीक नहीं। क्यों पढ़ूंगा, कब तक पढ़ूंगा? मैं भी अवसाद में जाने लगा हूं इन खबरों को पढ़ाते, सुनते, देखते, लिखते। अब एक मूलचूल सुधार की बात करने की जरूरत है। पत्रकारिता सिर्फ यह नहीं है कि आपने घटना हुई उसको आप तक पहुंचा दिया। अगर सुधार लाने की कुव्वत नहीं है ना मेरे अंदर, अगर सुधार लाने की क्षमता नहीं है मेरे अंदर, वो चीज बेमानी सी। तो अगर इसमें मूलचूल सुधार मैं ला सकूं, तो मूलचूल सुधार ये हो सकता है कि हम अपने सिलेबस के करिकुलम में जितने लोग मेरे साथ सहमत हैं इस पर बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा मेरी इस बात को कि स्कूल के सिलेबस में बच्चियों को यह पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए कि कोई अगर गलत नियत रखता है तो उसको कैसे पहचाने, कोई गलत तरीके से अगर छूता है, टच करता है, तो उसको कैसे पहचाने और इसको कहां कंप्लेंट करें। घर पर अगर इस तरीके का माहौल है तो कहां कंप्लेंट करें, इन चीजों से कैसे बचे, यही इसका उपाय है। कानून पर आप हजार लठ मारिए,
सरकारों पर आप हजार लठ मारिए, हर सरकार में यह होता है। कानून व्यवस्था के साथ साथ समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। देर शुड बी अ रिवोल्यूशनरी मेजर टू चेंज इट। एक बड़ा अभियान चलाना होगा, एक बड़ी मुहिम चलानी होगी, तभी चीजें बदलेंगी। महज घटनाओं को रिपोर्ट करते रहे, आप घटनाओं को सुनते रहे और राजनेता अपने अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल करते रहे, यह ठीक नहीं। इसमें एक बेसिक लेवल पे चेंज लाने की बड़ी आवश्यकता है। बेसिक लेवल पर एक चेंज लाने की आवश्यकता है। सिलेबस में शिक्षा के स्तर से छोटी बच्चियों को ही पढ़ाना शुरू करना होगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। सिलेबस में रखिए, हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्थाओं का हिस्सा होना चाहिए। अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को स्कूल में बताना चाहिए कि कैसे इसको रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर इसको रिपोर्ट करेंगे तो प्रिवेंट हो सकेंगे, प्रिवेंट करना होगा। ऐसी घटनाओं को पहली दफा ही रिपोर्ट करने से इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि बाहर अगर कोई इस तरीके की हैवानियत करने की सोचे तो इसका सबसे पहला क्या उपाय है जो आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप वहां से बच सकती हैं, उस सिचुएशन से निकल सकती हैं, आप कैसे नजदीकी थानों पर, नजदीकी बीट पर इसको बता सकती हैं। बीट पर बैठी पुलिस का काम महज ये नहीं है कि बैठकर टाइम पास किया जाए। इस पर समाज सेविका है एक शबीना खान, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबीना जी आपका स्वागत है। ठीक है शबीना जी, आज एक चर्चा हो रही है उसके बारे में आपको पता भी होगा, एक 17 साल की बेटी है ललितपुर की, उसने 28 लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ समय समय पर बलात्कार किया। इसमें उनके पिता पर भी आरोप है, एक सपा के बड़े नेता हैं उन पर आरोप है, बसपा के बड़े नेता हैं उन पर आरोप है। तो समाज में ये चीज़ें जो हैं इनको रोकने के लिए स्थायी आज हम एक उपाय की बात करें, तो इसमें मैंने एक चीज़ जोड़ी कि इसको शिक्षा में जोड़ना चाहिए, सिलेबस में बताया जाना चाहिए कि आखिर गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। अगर कोई बाहर गलत नियत रखता है, घर पर गलत नियत रखता है, तो उसको कहां रिपोर्ट करें, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये चीजें सुधारना जो है, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, उन पर उंगली उठाते रहना एक अलग विषय है, लेकिन इस पर मूलचूल सुधार की जरूरत है, वो कैसे शुरू कर सकते हैं हम लोग। जी शबीना जी, एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। शबीना जी आपका शायद फोन जो है म्यूट पर है, उसको अनम्यूट कर लीजिएगा जरा। ठीक है शबीना जी, अपने ईयरफोन्स निकाल लीजिएगा, ईयरफोन्स निकाल के फिर आवाज क्लियर आ सकेगी। ठीक है चलिए शबीना जी, आप ईयरफोन्स निकाल लीजिएगा फिर आप जुड़िएगा हमारे साथ। तो शबीना जी हैं, समाज सेविका हैं, जानी मानी, इन्हीं से चर्चा करेंगी कि आखिर इसका उपाय क्या है, क्योंकि उपायों पर अब बात करने की आवश्यकता आन पड़ी, उपायों पर बात करना अब जरूरी है। दर्शकों ये घटनाएं आती हैं, इनको रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करना एक अलग चीज है, खबर बनाकर दिखाना एक अलग चीज है, लेकिन ललितपुर का मामला जो है अभी तक कोई मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा सोचिए, ये भी एक अलग विषय है। कोई मीडिया आपको क्यों दिखाना नहीं चाहता, यह भी एक विषय है। आप जनता हैं, हर मीडिया चाहता है कि किसी तरह इन घटनाओं को जहां तक संभव है ना दिखाया जाए। सरकारें भी इसी तरह की व्यवस्थाओं पर काम करती और करती रहेंगी, लेकिन हम लोग मूलचूल सुधार पर बात करेंगे। आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी और कोशिश करेंगे कि इस पूरी खबर को एक घटना के तौर पे ना देखा जाए, इसको अभियान बनाया जाए, इसको कैंपेन बनाया जाए, और हम रुकने वाले नहीं हैं। इन चीजों में सुधार की आवश्यकता है, रिवॉल्यूशन लाने की आवश्यकता है,
कैंपेन की आवश्यकता है, इसको महज खबर और दिखाए जाने की आवश्यकता नहीं है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।